तुझे कौन आया माहीन? और कौन? इतनी जल्दी? माहीन, अच्छी लग रही हो ना? सालगिरह हो गई? हो रही है, बल्कि हो चुकी होगी। अरे वाह, लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। रुको माहीन, क्या हुआ है? वहां वापिस क्यों आ गई हो तुम? तो और क्या करती? वो आ गया था वहां। वकार जी, तो उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, उससे क्या प्रॉब्लम है मुझे? तो कोई प्रॉब्लम है मां? उसके सामने आते ही मैं डर सी जाती हूँ। पहले तो मैं उसे देखते ही छुप गई, और जू ही वो जिया से मिला मैं भाग निकली वहां से। मजे का है? लो लो, क्या? एक गुलरेज भाई जो इससे डरते, और एक ये वकार भाई से डरती है। झूठ बोल रही है ये, किसी से नहीं डरती है। मेरी शॉपिंग तो बेकार हो गई ना? क्यों? तुम जाओगे तो मैं क्यों जाऊंगी ना? वकार, वकार। आई एम ओके, थैंक्स। बर्थडे नहीं होगी, खड़े खड़े सारे मेहमानों को वापस भेज दूंगी। आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स। इफ यू डोंट कम, आई एम सेंडिंग योर माहीन बैक। फॉक्सी बतरस खाओ गुलरेज, दोबारा चल पड़ी, इसका मतलब यह नहीं कि रुकेगी नहीं। चले सो रहे हो ना? लानत है उस पर जो तुम्हारी फॉक्सी को देख जलस हो जाए। अरे वली अहमद, दिल की बात कहो, फॉक्सी को चौकड़ियां बढ़ते देखकर तुम्हें अपनी गाड़ी पे गुस्सा आ रहा है ना? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, पता है घर से कितनी दूर आ गई? तुम तो कहते थे कि लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है। लॉन्ग ड्राइव घड़ा गाड़ी में नहीं होती। चल गया।
ठीक है जल्दी चलो, ये साली दोबारा रुक गई ना तो अपना ही नुकसान करूंगी। नुकसान? माय फुट। पूछ तो लो नुकसान क्या होगा। चलो पूछ लेते हैं। नीलम आज उसके घर जा रही है। किसके घर बताओ नीलम? आज मैं माहिन के घर जा रही हूँ, दो टोक बात कर। गाड़ी क्यों रोक दी? तुम क्यों बात करोगी उससे? क्योंकि तुमसे बात नहीं होती। तो ये मेरी गलती है ना, उसकी सजा भी मुझे मिलेगी। नो, not at all. मैं अपनी जंग लड़ने के लिए दूसरों की फौज से मदद नहीं लूंगा। कल गया था उससे बात करने। बात नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात होगी नहीं। बात होगी और होकर रहेगी। दो दिन का वक्त दे रही हूं तुम्हें, लास्ट एंड फाइनल। अगर फिर भी बात ना हुई तो मैं करूंगी। दो दिन कम है तो बोलो, कितने दिन? अरे क्या बात कर रही है यार, दो दिन तो बहुत ज्यादा है। दस बज गए यार, तुम लोग आए क्यों नहीं? वो अभी तक पड़ी सो रही है। बुढ़ापा आ गया उस लड़की पर? अरे नहीं, गुस्सा आ गया किसी बात पर, गुस्से में आए तो इतना ही सोती है। मुझे बस यही समझ नहीं आती कि हम अपनी लाइफ जीने के लिए ऐसे नाकारा लोगों पर क्यों डिपेंड करते हैं। बको मत, वो हमारी गैंग की चीफ है और हमेशा के लिए ये तय हुआ था कि चीफ की मर्जी चलेगी। अब वो गुस्सा करे या गुस्से में सो जाए, दिस इज हर चॉइस। तो मतलब आज क्रिकेट नहीं होगी? क्रिकेट तो होगी, प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं। ओके, मैं गुलरेज भाई को फोन करता हूँ। वो नहीं आएगी क्या? जी नहीं, वो सो रही है। हाय, सोने का वक्त है। अरे वो सोती रहे, हमने भी तय कर लिया कि उसके बगैर खेलेंगे। उसके बगैर खेलेंगे तो क्या खाक खेलेंगे?
वो लंदन का लौंडा हमारे छक्के छुड़ा देगा। पता है सुबह से मशकें कर रहा है कमीना। मशकें? तुम गुलरेज को फोन करो, मैं उस कमबख्त को जगाने का बंदोबस्त करती हूँ। तुमसे कहा था क्रिकेट होने वाली है, तुम अखबार लिए फिर रहे हो। ले लो बर्तन रखो मुंशी आलम और ग्राउंड में पहुंचो। जी बेहतर। 15 मिनट में सुर्खियां पढ़ लो, बाकी की अखबार हार जाने के बाद पढ़ लेना। जी। सुभान अल्लाह, जी तो ऐसे कह रहे हो जैसे सचमुच हार ही जाओगे। अली बोल रहा हूँ गुलरेज भाई। हेलो। हेलो, कैसी हो मैं जानिए? फाइन। रात को भाग क्यों गई थी, मुझे बताया भी नहीं कि जा रही हो। वो आ गया तो जाना पड़ा। अरे वो कहाँ आ रहा था, मैंने डांट कर बुलाया था उसे, सोचा तुम दोनों की सुलह हो जाएगी। सुलह हो गई, उसने सॉरी कह दिया मुझे। अरे सुलह कर ली और छुपा ली, मुझे बताया तक नहीं। बता तो दिया, अभी कल की तो बात है। अच्छा लग रहा है? क्या? यही कि सुलह कर ली, दोस्ती हो गई। दोस्ती? अरे चलो, he's not worth it. सोच लो मरजानी, वरना देखती रह जाओगी। अरे मैं उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहती। और मुझे तो लगता है कि तुम उसी को डिस्कस करना चाहती हो। ये बकवास करने के लिए फोन किया? कसम से बकवास नहीं कर रही हूँ, वो तुम गुलरेज के लिए हाँ नहीं कहती हो ना, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कयामत के अगले दिन चलेगा कुछ, तब तुम देख लेना। एरोगेंस इतनी दिखाओगी तो कोई और ले उड़ेगा उसे, मत जानिए। कम वक्त क्या दिखता है, क्या लगता है, क्या बोलता है। अरे तो तुम ले लो ना, तुम्हारी तो डांट भी सुन लेता है। दिल से कह रही हूँ? कह नहीं रही हूँ, कह दिया। जाओ, आज से वो तुम्हारा हुआ। मिल जाए तो बताना, पार्टी करेंगे। माहीन, नानो का फोन। अच्छा मैं रखती हूँ, नानो का फोन आया। बाय बाय। माहीन, चौका मार चौका। ए छक्का बोलो ना। इससे पहले कभी छक्का मारा है? और देखो तो वो करवा रहा है। बोल, कौन करवा रहा है? पिद्दी या पिद्दी का शोरबा। चल गेंद करा। गिल्ली उड़ गई। है नानो, बच गया। बच गया। हाँ
वाह दादू वाह, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? वहां बॉल विकेटों से गुजरी और आपने मुंह फेर लिया। अरे क्या करती बेटा, मुझसे देखा नहीं क्या? हाँ, तो इसका मतलब है कि अब एम्पायरिंग में बेमानी हो। क्या बकते हो तुम? अब मैं बेईमानी करूंगी तुमसे? फैसला तो माहीन से पूछ कर भी दिया जा सकता है। ओके, ओके। एक मिनट नानो। चौका मारने के लिए बल्ला हवा में घुमाओगे? मैंने सोचा छक्का मारूंगा तो तुम खुश हो जाओगी। तुम चौका मारोगे तो भी खुश हो जाऊंगी। मार तो सही। पापा, देखो सर, मुलाकात हो रही है दोनों की। राइट, चौका मारता हूँ। देखो सर। गई? जी उड़ गई। थीना छक्के वाली बॉल तुम्हारी वजह से चौका मारने गया था। छक्के वाली बॉल पे छक्के ही मारूंगा ना। हाँ थैंक यू। लेकिन तुम डरना मत, बॉलिंग हल्की है। हाँ वो तो देखा मैंने, तुमसे भी हल्की है। चलो चलो गुस्सा मत करो। क्या यार आउट हो गए वाली। आराम आराम से खेलना, जल्दी नहीं है। चल माहीन। वाली भाई आप ही इज्जत रख लीजिएगा। हे गुड। कौन आ रहा है? आ रहा है तो आने दीजिए। सुन लो लाडले, वरना वो फिर चौका मारेगी। देखो जरा किसका फोन है। ओ, जिया का है। सुन लो बेटा, जिया का फोन है, बेचारी तड़प रही होगी। अरे नहीं सुनना मुझे। चलो फिर गेंद कराओ और खाओ चौका।
साला। जबरदस्त मौका है, वो भी आउट हो गई है। अरे वो भी आउट हो गई? आउट हो गई तो मौका किस बात का? समझो मैच गया हमारे हाथ से। तो मैच की पड़ी है तो बात करो उसे। वाह वाह, मैच को मुझसे ज्यादा सीरियस लेती है। अगर अभी बात करूंगा तो बल्ला सर पे मारेगी। स्कोर क्या हुआ? तुम्हारा सर। लो, खुद भी जीरो पर आउट हो गई और मुझे ऐसे सिखा रही जैसे वर्ल्ड कप जीत के आई हो। अभी करता हूं ना बाप। देखो 32 रन कोई कम नहीं होते, तुम हिम्मत मत हारना। हिम्मत नहीं हारना। ये अली का बच्चा आउट हो जाए ना फिर वो ही रह जाएगा बाप। बाकी से तो मैं मिनटों में निमट लूंगी। वकार को तुम आउट करना। क्यों? अरे बदला नहीं लोगी, गिल्लियां उड़ाई थी उसने तुम्हारी। तो तुम बदला नहीं लोगे, तुम्हारी गिल्लियां भी उसी ने उड़ाई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी से बदला नहीं ले सकता। बॉल करो, बातें ना करो। आज उस लंदन की लॉन्डी को तुम्हारे हाथों से आउट होना चाहिए। बदला लो उससे, गिल्लियां उड़ा दो उस कमीने की। चलो शाबाश शाबाश नमाज। चलो चलो चलो, ये रे कम ऑन गुलरेस, शॉर्ट पिच गिरा। चीट कर रहा था यार, चकमा दिया उसे। मैंने कहा था गुलरेज अगर शॉर्ट पिच का बोलूं तो जॉकर मारना। वाह बड़े क्लेवर हो गए आप। चले जी नेक्स्ट। चलो 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 चलो। चलो।
शाबाश गुलरेज। ठीक कह रहे। अरे सात रन बचाने के लिए सात घंटे मीटिंग करोगे आप? भेजो कोई तगड़ा सा बॉलर, बचाओ सात रन, वरना फिर समझ लो मैच गया। ये क्या कर रही हो? बॉल अब मैं कराऊं। लो। तुम बॉल कराओ तो गारंटी देते हो कि सात रन सही होने दोगे? कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दूंगा। तो जाओ गली में खड़े हो। बाकी पांच बॉले भी बीट करा दो तो समझो मैच जीत गए हम। आपसे मना किया था कि यहां मत आइएगा। मिलने नहीं आया, तुम्हारी बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदे थे वो देने आ गया हूं। ले लो तो चला जाऊंगा। बर्थडे गुजर गए, अब किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आप जाइए। प्लीज बेटा, गिफ्ट लेकर बेशक डस्टबिन में फेंक दो, लेकिन मुझे इस तरह धुतकार कर वापस मत भेजो। नो वे। पछताओ कि एक दिन जिस तरह आज मैं पछता रहा हूं। यू वेट एंड वॉच मीर मेहताब अहमद, मैं नहीं पछताऊंगी, हर मुजरिम से बदला लूंगी। मैंने भी बदला लिया था, यही मेरी गलती थी, क्योंकि बदला लेना तो खुदा का काम है, उसका काम मैंने क्यों किया? शुगफ्ता, ये गिफ्ट्स ले लो और जाकर डस्टबिन में फेंक दो। Now, if you will excuse me. लड़के भाग गया होगा। शाबाश माही, क्या टेरर है तुम्हारा। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठो। चलो। क्या कर रही हो जिया? सब लोग लॉन में खड़े हैं, तमाशा हो जाएगा। तुम बैठते हो या मैं भी अंदर जाऊँ? क्या कर रही हो?
वाह कर रही हूँ। चलो चलो चलो। ये क्या जबरदस्ती है यार? बस है। अरे वाह, मैच जीत गए हम। नहीं जीते? अरे नहीं जीते, कोई जाके बुलाए उसको, पता नहीं कहाँ गया वो। तुम्हें पता है मैं सब लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं तुम्हारे साथ भाग गया हूँ। पूरे 10,000 रुपए की शर्त लगी है, समझो इज्जत दांव पे लगी हुई, और जीतने में सिर्फ एक गेंद बाकी है। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब किसे खेल रहे? माहीन के साथ। मैंने बताया ना मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तुम दोनों का? हम दोनों का? माँ, चच्ची, अली, फजर सब लोग हैं। हाँ, लेकिन मैच तुम दोनों का है ना? सवाल तो ये भी उठता है कि आनन फानन वो गया कहाँ? जादू तो सीखा नहीं कि मंत्र पढ़े और गायब हो जाए। एक मिनट बाद मुंशी आलम पीछे गया तो देखा सामरी जादूगर गायब हो चुका है। माहीन से डरकर भाग गया। माहीन की बॉलिंग देखी थी आपने? कोई मिसबाउल हक होता तो खेलता। शाहिद आफरीदी कहो ना। हाँ, एक शाहिद आफरीदी भी तो हुआ करता था, बचपन में सुना था कि वो भी खेलता है। फिर वो भी सामरी जादूगर की तरह पिच पे आया और फिर गायब। गायब मत कहो, वो तो पलट कर पहुंच जाता था ड्रेसिंग रूम में। उसके बारे में सोचो, वो कहाँ गया? लो, क्या छूता ख्याल आया मुझे, ये मुई लंदन की फ्लाइट कितने घंटे की है? 7 घंटे की। 2 घंटे में हवाई अड्डे पहुंचा और जहाज में बैठा। क्या मतलब? मतलब ये 10 घंटे बाद उसका फोन आएगा कि जरूरी काम से लंदन पहुंच गया। तुम भी कुछ कहो ना, इस तरह डेले निकाल कर क्या सोच रहे हो? मैं क्या कहूँ नानू, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अंग्रेजी मत बोल। चलो, गलती से बोल दिया तो माफ कर दो, लेकिन फिर भी वो तुम लोगों की जीत का डब्बा गोल करके गया है। गुस्से में ही कुछ कह दो। कह दो? हाँ तो कहो ना। टेक्निकली तो हम लोग मैच जीत चुके हैं, आप लोग चाहें तो आईसीसी के रूल्स पढ़ सकते हैं। क्यों वाली भाई? ए लो, बख्शी का है? बख्शी क्या बताएगा, उस नालायक को कहां आती है क्रिकेट। क्या क्या अच्छा नहीं लगा? मेरा तुम्हें छीन के ले आना। अरे नहीं यार, एक्चुअली वहाँ बड़ा जोरों का मैच हो रहा था, मैं अचानक आ गया तो सभी ही समझ रहे होंगे कि शायद मेरे तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। नहीं चल रहा है क्या?
कुछ नहीं हमारे बीच। जिया, no, you're joking, right? You're not serious, are you? I'm very serious, Vikas. बख्शी चाचा जी सुनिए, जी वो आप वकार अहमद से क्या कह रहे थे? वकार अहमद? अरे वो जो आप उसके कान में खुसे फुसे कर रहे थे, क्या बताया उसे? अच्छा वो तो जी जिया बीबी ने मेरे साथ इंटरकॉम पे बात की थी कि मैं बाहर खड़ी हूँ और तुम वकार मियां को जाके कह दो कि अगर वो दो मिनट में बाहर ना आया तो मैं अंदर आ जाऊंगी और सबके सामने उसका हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। इश्क से इश्क की रूदाद ना पूछ।